उरी हमले के बाद पूरा देश एक सुर से देश को लेकर के विदेश तक पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कश्मीर को लेकर बिहार का मजाक उड़ाया। उन्होंने कश्मीर को लेकर ट्विटर और फेसबुक पर विवादित टिप्पणी की। काटजू ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि पाकिस्तान के लिए ऑफर है, अगर उसे कश्मीर चाहिए तो उसके साथ बिहार को भी लेना होगा। काटजू के इस तरह के विवादित बोल पर बिहार के राजनीतिक दलों में काफी आक्रोश है। दरअसल काटजू अपने कमेंट्स को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं और इस बार उन्होंने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की है। हालांकि मामला बढ़ने के बाद काटजू ने अपनी सफाई इसे सिर्फ एक मजाक बताया और लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया से सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी बताई है और उन्होंने कहा है कि इसे केवल एक मजाक के तौर पर लेना चाहिए, जबकि तमाम लोग इसे उरी में हुए शहीदों का अपमान बता रहे हैं और काटजू से माफी की मांग कर रहे हैं।